अभी आपने बड़े शांति मुक्त तरीके से डॉक्टर साहब के विचार सुने और ऐसा लगा हमें कि समय किस तरीके से गुजर रहा है, ऐसी जिज्ञासा जाग रही थी कि डॉक्टर साहब बोलते रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि जिस सादगी में और जिस मनोभाव से वो आप बीती सामाजिक चीजों को बता रहे थे, वो बहुत ही एक सरल भाव था जो हर इंसान के जहन में घुस रहा था, वो उसे कटोच रहा था कि आखिर मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो ये एहसास दिला रहे थे क्योंकि किसी समाज की या किसी भी शहर की, किसी देश की जो मानसिकता और सोच बन जाती है ना, वो उसकी ताकत बनती है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि एक पटेल समाज में उन्हें किसी लीडर की जरूरत नहीं है, ना वो किसी लीडर को फॉलो कर रहे, लीडर उनको फॉलो कर रहे हैं, लीडर उनके साथ लगना चाह रहे हैं कि आप आओ हम आपके साथ हैं, आप आओ हम आपको ये चीज देंगे। मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा कि डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं और उनकी एक एक छटा को हम सबके बीच में, क्योंकि बाबा साहब दलित वर्ग के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन सभी समाज के लिए उन्होंने इतना दिया है कि जो लेने वाला है, जो ले सकता है वो लेगा, और जिसने सोच बनाया नहीं तो साथियों हमारे जगाने से भी नहीं जगेगा। हम तो ये सोचते हैं, मेरी अपनी एक इंडिविजुअल, कि साथियों जाति पाति का ये सब भी कहीं ना आए और पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब उठाए कि जाति मुक्त समाज हो, जाति मुक्त समाज, समाज में गिना जाए तो केवल हिंदुस्तानी गिना जाए, मत गिनो किसी को जाति से, आदमी के कर्मों से अपने आगे चलेगा, कर्मों से आगे बढ़ेगा, कर्म अच्छे होंगे तो आगे जाएगा और कर्म हमारे गंदे होंगे तो पीछे हटेंगे।